उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को अनपढ़ और वाम पंथियों को कुफड़ कहा है। कुमार विश्वास ने बजट पर बात करते करते यह बात कही। उनकी बात सुनकर सभा में मौजूद लोग हंस दिए और तालियां बजाई। उज्जैन में विक्रम उत्सव कार्यक्रम के तहत 21 से 23 फरवरी तक रामकथा का आयोजन किया गया है। मंगलवार को कथा सुनाने पहुंचे कुमार विश्वास का वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा, कथा करने आए हो, कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो श्रीमान। अदजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि कम गुणवान कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक गुणवान अधिक ज्ञानी व्यक्ति होने का दिखावा करे, ढोंग करे। ये जो डॉक्टर कुमार विश्वास है ना, ये इसी प्रकार के अल्प ज्ञानी महाज्ञानी श्रेणी में आते हैं। ये श्री राम कथा करने आए हैं उज्जैन में, पर ये श्री राम कथा छोड़ के बाकी सब काम करेंगे या उज्जैन की धरती पे ये प्रमाण पत्र बांट रहे? अरे भैया, आपके प्रमाण पत्र की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। आप उज्जैन में आए हैं, उज्जैन के हिसाब से मर्यादित आचरण करिए, मर्यादा में राम कथा करिए। कुमार विश्वास ने कहा, आज से 4 साल पहले बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पर खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। वहां एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम करता है। वो मुझसे बोला कि बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा, तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। उसने कहा, राम राज्य में कहां बजट होता है। मैंने कहा, समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। कुमार ने कहा, भगवान ने चित्रकूट में भरत को रात में बैठकर समझाया, कहा कि कैसे राज्य चलाते हैं। विशेष रूप से जो सबसे पुराने राम कथाओं में है, श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण के बाद अध्यात्म रामायण में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। भगवान ने कहा, राजा भरत से बेटा टैक्स कैसे ले रहे हैं, पैसा वैसा सब ठीक है। भरत ने कहा, हाँ जैसे टैक्स लेते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, हम सूर्यवंशी है, हमको टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज लेता है। भरत ने पूछा, भैया सूरज कैसे टैक्स लेता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं रितिका। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।